Hunter 350 रॉयल एनफील्ड का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका आज हर कोई दीवाना है। यूथ से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके लुक्स ब्रिटिश रोडस्टर डिजाइन है, साथ में स्मूथ एंड टॉर्की 350 सीसी का जे सीरीज इंजन है। काफी लाइट और एजाइल राइड क्वालिटी के साथ मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है इसके प्राइजेस, क्या है इसके फीचर्स और एवरेज और टॉप स्पीड सब चीज जानेंगे। अगर आप रॉयल एनफील्ड के किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई और वीडियो भी देखना है तो आप जाकर द ऑटो स्टूडियो को फॉलो अप ले सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी लाइव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है जी रेबल ब्लू कलर जो आप टॉप मॉडल में देख रहे हैं। टॉप मॉडल में आता है ये कलर, डुअल कलर जैसे बोलते हैं। तो कलर की बात करी जाए तो रेबल ब्लू जो आप देख रहे हैं, रेबल रेड, रेबल ब्लैक, डैपर ग्रे, डैपर एश, डैपर वाइट, फैक्ट्री ब्लैक, फैक्ट्री सिल्वर, डैपर ओ और डैपर जी, ये कुछ कलर हैं जो आते हैं। और जो लास्ट के दो कलर हैं वो अभी न्यूली लॉन्च है। प्राइजेस की बात करी जाए तो 1,70,000 रुपये से 1,57,000 इसकी टॉप मॉडल की प्राइस रखी गई है। वेरियंट रेट्रो फैक्ट्री, मेट्रो डैपर और मेट्रो रेबल, इस प्रकार से आपको तीन वेरिएंट्स ऑफर करे जाते हैं जिसमें स्पोक व्हील का ऑप्शन जो है आपको पेस वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी बाइक के बारे में। अगर आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें एक्स शोरूम से लेकर के ऑन रोड प्राइस तक क्या क्या चीज़ें लग जाती हैं वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं इस बाइक की। तो टायर की बात करें तो 17 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है ब्लैक एंड आउट, और 110/70/17 का आपको टायर साइज मिल जाता है। 300 mm की डिस्क मिल जाती है डुअल चैनल ABS के साथ। बाइबर का कैलिपर दे दिया गया है और रॉयल एनफील्ड के ग्राफिक्स। सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और मडगार्ड आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। गेटर कवर मिल जाता है सस्पेंशन पे और 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है 130 mm के ट्रैवल के साथ। हेड यूनिट आपको रिफ्लेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा हेलोजन बेस्ड, और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिल जाते हैं हजार्ड लाइट के ऑप्शन के साथ। तो ये एक अच्छी बात है जो इसमें मिल जाता है। रेट्रो मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, जो काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। और क्रैश गार्ड आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एज ए एसेसरीज का पार्ट, और सम गार्ड भी आपको इंजन प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है एज ए एसेसरीज। और ये है 350 सीसी का जे सीरीज का इंजन, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन रहने वाला है। और इसके पावर फिगर की बात करें तो 20 bhp की पावर जनरेट करता है 27 Nm के टॉर्क के साथ। हंटर 350 का आपको ग्राफिक मिल जाता है देखने को। और यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिलने वाला है वो मिलने वाला है ट्विन टाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम और चेसी जो है। और यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुट रेस्ट। और सस्पेंशन की बात करें तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर विथ 6 टैप एडजस्टेबल प्रीलोड 130 mm का मिल जाता है। टायर साइज आपकी बात करें पीछे वाले की तो 140/70/17 का आपको टायर साइज मिल जाएगा। पीछे आपको आप जो LED सेटअप मिलता है जो कि टेल लैंप में मिलेगा, और रिफ्लेक्टर आपको देखने मिल जाता है, इंडिकेटर जो कि हेलोजन बेस्ड है। और ये आपको बैक रेस्ट जो है वो एसेसरीज का पार्ट मिलता है। और इधर से आपको देख लें तो रॉयल एनफील्ड का आउटर शेल पे एनग्रेविंग मिल जाती है, और ब्रेक पैडल आपको मेटल फिनिश मिलेगा। छोटा सा आपको इसमें जो है एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और सिंगल पिस्टन के साथ आपको पीछे वाली जो डिस्क मिलेगी 270 mm की मिलती है, जैसा आपको बताया डुअल चैनल ABS मिलता है इसमें। और पीछे का जो टायर साइज़ है वो 140/70/17 का आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल सीट ही मिलेगी और कुशन काफ़ी कुशनी है। और अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है विद राइडिंग रेंज ऑफ 455 किलोमीटर्स, और E20 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। हैंडल के लेफ्ट साइड में आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स ऑन और हाई बीम लो बीम का मिल जाता है बटन, और आई बटन मिलता है जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। और तो और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो आपको फ्यूल गेज डिजिटल मिलेगा, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, टैकोमीटर डिजिटल, और गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर, USB चार्जिंग सॉकेट जैसी चीज़ें मिल जाती हैं।
और ये आप देख सकते हैं एक्सेलेटर का ग्रिप, और फ्रंट में आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं ब्रेक, और ये आप देख पाएंगे रियर व्यू मिरर, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो एक्चुअली लीवर जो है, ब्रेक लीवर और क्लच लीवर जो है एडजस्टेबल नहीं है, सॉरी टू से। और अगर इसके डायमेंशन की बात करी जाए तो डायमेंशंस कुछ इस प्रकार हैं कि जो सीट हाइट या सैडल हाइट जैसे बोलते हैं वो आपको मिलती है 800 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm का, व्हील बेस आपको 1370 mm का मिलता है, और कर्व वेट जो है 177 kg का मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो 30,000 km या 3 साल की आपको इसमें वारंटी मिलती है। तो ऐसी है कुछ स्पेसिफिकेशंस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक। रॉयल एनफील्ड हंटर जो है वो इस समय हीरो की स्प्लेंडर को भी फेल कर चुकी है, क्योंकि एक तो ये इसके अर्गोनॉमिक्स और तो और इसकी जो फ्यूल रेंज और एवरेज वगैरह है और इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, और लुक वाइज भी काफ़ी मॉडर्न रेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज जो रखती है और काफ़ी अपीलिंग लगती है रोड पे, तो उसकी वजह से भी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यूथ की तो ये पहली पसंद है। तो वाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप, एंड टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो।